योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां बेचा करते थे। सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, आलू गोभी मटर टमाटर, ताजे ताजे। आलू 15 रुपए किलो, मटर 30। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही समय में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौटा करते थे। घर पे उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय आराम ही किया करती थी। माँ, पापा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकौड़े लाए क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकौड़े वाला आया ही नहीं। तेरे लिए पकौड़े तो नहीं लाए, लेकिन ये देख। वाह, आम। रानी को टाली हुई चीजें बहुत पसंद थी, पर वो चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके माँ पापा इतनी मेहनत कर रहे थे और हर दिन की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है, कब तक हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे? पता नहीं, पर हम कोशिश करते रहेंगे। रानी योगी और नीतू की जान थी। वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटा कर बाजार के लिए चल देते थे और यहाँ बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियाँ बेचा करते थे। एक दिन की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज अकेले बाजार जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, पर आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में नींबू की बहुत मांग होती है, इसलिए मैंने नींबू के पौधे खरीदे हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर जाइए, हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा करवाने हैं। हाँ। नीतू सारी सब्जियाँ लेकर बाजार के लिए निकल गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पेड़ों की नर्सरी में पहुँचा। जी बोलिए, मुझे नींबू के पौधे चाहिए। भैया, एक भी पौधे नहीं है, सारे बिक गए। ठीक है। योगी दूसरी नर्सरी में गया। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई, सारे खत्म हो गए। ठीक है। योगी कई और नर्सरी में गया, उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिले। अरे अब क्या करूं? सोचा था नींबू के पौधे से नींबू उगाकर बेचूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपनी सोच में चल रहा था, तभी उसका ध्यान जंगल के बीच बने एक घर पर पड़ा। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत खराब थी। एक बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उस बूढ़ी औरत के पास गया। क्या हुआ अम्मा, तुम्हारा बगीचा इतना बड़ा है पर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताओ बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत, मैं बूढ़ी भला कैसे इतना सारा काम अकेले कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई की, सारे पौधों को पानी डाला। वाह, अब लग रहा है ना, ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अम्मा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरा भी सब्जियों का बगीचा है। अच्छा है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक बेटा। बूढ़ी औरत अपने घर में गई और एक पोटली उसने योगी के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज, तुझे नींबू उगाने हैं ना, जा इन्हें ले जा।
और अपने बगीचे में बो दे। आपको कैसे पता चला कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब कुछ पता है, मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वो पोटली ले ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू पहले ही घर पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको, और नींबू के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले। घर लौट रहा था तो जंगल में एक घर दिखा जिसके बाहर एक बड़ा बगीचा था। एक बूढ़ी औरत अकेले बगीचा साफ कर रही थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी और उसी में देर हो गई। ठीक है। और ये देखो, उस बूढ़ी औरत ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे नींबू उगाने हैं। अजीब है, खैर छोड़िए, कम से कम हम इन बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस नींबू के पौधों पर नींबू उग ही जाएंगे। हाँ, वो भी है। अगली सुबह योगी ने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू, जरा इन्हें भी पानी डालो। हाँ आई। नीतू ने जैसे ही उस जगह पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे, नींबू कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इतने चमकदार नींबू! योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। नीतू, ये तो सोने का है, सोने का नींबू। सारे पौधों पर सोने के नींबू उगे थे। योगी और नीतू के तो भाग्य ही खुल गए। योगी ने वो सारे नींबू सोनार को बेच दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब आपकी बेटी किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। ये सुनकर योगी और नीतू की आंखों में आंसू आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। नीतू, हमें उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। योगी नीतू और रानी को लेकर जंगल गया। वो घर यहीं तो था, अचानक कहाँ चला गया? वहाँ कोई घर नहीं था। योगी की मदद किसने की ये उसे भी नहीं पता। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा।